तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे हम खारी कह सकते हैं, खुरमा भी कह सकते हैं। तो जिस तरीके से हम खारी बाजार से लाते हैं, उससे भी ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी खारी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। हमने लिया है 1 कप मैदा। तो मैदे को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। आप कोई भी मैदा ले रहे हैं, पैकेट वाला भी आता है, तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ लोग डायरेक्ट उसे यूज कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप इसे छान करके बनाएंगे तो अच्छे से क्रिस्पी बनता है। तो एक बार इसे हमें लास्ट में बनाते समय जरूर छान लेना है। तो मैदे के अंदर हम डालेंगे अजवाइन, फ्लेवर के लिए आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं। तो हमने आधा चम्मच लिया है, इसे हल्का सा क्रश करेंगे और इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे, आधा चम्मच हमने नमक लिया है, स्वाद अनुसार नमक हमें लेना है। और डालेंगे इसके अंदर हम घी। घी डालने से बहुत ही खस्ता बनता है खारी हमारी, तो इसके अंदर हम घी डाल देंगे 3 से 4 चम्मच। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है मैदे में सारी चीजों को। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से मसलते हुए हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो हम मैदे को इस तरीके से मुट्ठी में उठाएंगे और इसे बांध करके देखेंगे, तो आप देख सकते हैं मुट्ठी बंद रही है। बस इतना ही घी हमें इसके अंदर डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। तो अब डालेंगे इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो पानी को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। इसका डो जो है उसे गीला नहीं करना है, थोड़ा सख्त ही रखना है। तो इसका डो हम बना लेते हैं। तो ये डो हमारा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं हमने इसका टाइट डो बनाया है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, लेकिन इसे गीला भी नहीं करना है। बस थोड़ा सा ऊपर से घी लगा लेते हैं, पूरे डो में लगाएंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। और जब तक आटा हमारा रेस्ट ले रहा है, इसके लिए हम साटा बनाकर तैयार कर लेते हैं, इसे साइड में रखेंगे। और हमने एक कटोरी ले ली है, इसके अंदर हमने 2 चम्मच मैदा डाला है। आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। और डालेंगे इसके अंदर हम 2 चम्मच भर के घी। इसे अच्छी तरीके से फेंटेंगे, 1 मिनट तक लगातार इसे हम फेंट लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम डो को चेक कर लेते हैं। इसे हम चकले पर रखेंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं मसलना है, हल्का सा इस तरीके से रोल कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। इसको हमें पतला बेलना है, इसलिए बहुत ज़्यादा मोटी लोई हमें नहीं रखना है इसकी। तो 5 से 6 लोई हमने इसकी बना ली है। तो चलिए इसे हम बेल लेते हैं, इसे गोल करेंगे। तो इसे हम पतला सा बेलेंगे, बड़ी सी पूरी हमें इसकी बनानी है। चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसे हमें बेलना है, कहीं से मोटा या पतला ना रहे। तो आप देख सकते हैं मैदे की मैंने कितनी पतली सी और बड़ी सी पूरी बना ली है, और मैंने इसे पतला सा बेला है। तो इसे हम उठा लेंगे और थाली में रख लेंगे, और इसी तरीके से सारी पूरियों को हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैदे की मैंने 3 पूरियां बेलकर तैयार कर ली हैं। तो एक चकले पर रखेंगे हम। तो अब लेंगे हम साटा जो हमने बना करके रखा है। मैंने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसे फेंट लिया था, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल लाइट हो गया है, इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो हम पूरी पर इसे लगा देंगे, अच्छी तरीके से फैलाएंगे, हाथ से भी लगा सकते हैं अच्छी तरीके से। बीच में कोने तक, किनारे तक अच्छी तरीके से लगाना है हमें। और हम ऊपर से थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे, हल्का सा डस्ट करेंगे, और इसके ऊपर दूसरी पूड़ी रखेंगे। और इसके ऊपर भी हम साटा लगाएंगे। ऊपर से मैदा छिड़केंगे, क्योंकि हमें इसकी परतें बनानी है, ये आपस में चिपके ना, इसलिए अच्छी तरीके से साटा भी लगाना है और ऊपर से मैदा भी डस्ट करना है। तीसरी पूड़ी भी रख लेंगे इसके ऊपर हम। अगर आपको और परतें बनानी है तो आप 4 या 5 पूड़ियां भी
एक ऊपर एक इस तरीके से लगा सकते हैं, साटा लगा लेते हैं। ऊपर से मैदा डस्ट करेंगे और अब हमें क्या करना है, इसे हमें फोल्ड करना है। तो एक बार इस तरीके से किनारे से इसे हम फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से भी इसे हम फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से फिर से हम थोड़ा सा साटा लगा लेंगे, मैदा भी डालेंगे, फिर से इसे फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा साटा लगा लेते हैं बीच में और बस इसे अच्छी तरीके से हम दबा देंगे। और इसे हमें थोड़ा सा लंबा ही बेलना है, गोल नहीं करेंगे, जितना बड़ा हो सके हमें इसे बेल लेना है। तो हमें इसे बढ़ाते जाना है और चौरस में ही बेलना है, थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं लेकिन हमें इसे गोल नहीं करना है। इसे मैंने बेलकर तैयार कर लिया है, तो चलिए इसे हम काट लेते हैं। छोटा या बड़ा साइज आप अपने पसंद से काट सकते हैं, तो इसे हम बहुत बड़े साइज में नहीं काटेंगे। अब इसे हम दूसरी साइड से काटेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस साइज के से काट लिया है, आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो खारी को मैंने काट लिया है, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है। तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, बस इसमें सरसों का तेल मत डालिएगा, उससे इसका कलर पीला हो जाएगा और स्वाद भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप कोई भी तेल डालें लेकिन सरसों का तेल मत डालिएगा। तो थोड़ा सा आटा डाल करके हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये तलने लगा है आटा हमारा। तो आंच को हमें धीमा ही रखना है, तेज नहीं रखना है, क्योंकि ये खारी जो हमारी है थोड़ी सी मोटी साइज की है, जिसे हमें धीमा ही तलना होगा। अगर तेज आंच कर देंगे तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा धीमी आंच पर। जितना आराम से कढ़ाई में तेल में आ जाए उतनी खारी हमें डाल देनी है तलने के लिए। तो आप देख सकते हैं हम इधर से खारी को डाल रहे हैं और इधर ये फूल फूल कर ऊपर आने लगी है। तो 2 मिनट तक इसे हम धीमी आंच पर तलने देंगे, फिर इसे हम पलटेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम खारी को पलट देते हैं और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक हमें इसे तलना है। बहुत अच्छी ये बनकर तैयार होती है, खाने में मज़ा आ जाती है, बहुत कुरकुरी होती है। बस आंच को हमें तेज़ नहीं रखना है क्योंकि हमें अंदर तक इसे पकाना है और कुरकुरा भी तलना है। बस इसे पलटते रहेंगे, 1 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देते हैं, फिर से इसे हम पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं खारी हमारी अच्छी तरीके से तल चुकी है और इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो कलछी को हम साइड में करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो कढ़ाई में आ जाएगा और इसे हम निकाल लेंगे और बाकी के जो भी खारी है इसी तरीके से हम तल लेंगे। तो मैंने जैसे पहले बताया आपको, मैंने छोटी छोटी खारी बनाई है, आप बड़ी साइज की बना सकते हैं। तो खारी हमारी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी सी परतें खुली हुई हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप चाय के साथ से एंजॉय करिएगा। तो चलिए इसे हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो हमारी सुपर टेस्टी खारी बनकर तैयार हो गई है, आप मार्केट से लाते हैं उससे भी टेस्टी लगेगी खाने में अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो एक खारी हम तोड़ करके आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल चूरा बन जा रहा है, कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल मुलायम बनकर तैयार होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो खारी बनाने के बाद थोड़ा सा आटा बचा था तो मैंने उसका खुरमा बना लिया है। तो आप मार्केट जैसा खुरमा बनाइए या तो खारी बनाइए, दोनों ही खाने में बहुत टेस्टी लगती है, सुपर टेस्टी लगती है। आप एक बार इस खारी को बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी खारी कैसी बनी। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे ये होगा जो भी मैं रेसिपी बनाऊंगी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैप्पी कुकिंग।